हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी पर्सन की प्रोफाइल पिक्चर को देख सकोगे और उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकोगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो साथ में बेल का आइकन है इसे भी ज़रा इनेबल कीजिए ताकि आपको मिलेगी हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना होगा QEEK। उसके बाद आपको ये जो पहली वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। ये देखिए, मैंने इस ऐप को पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हो या आप प्ले स्टोर में इसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंटर करना होगा, जिस पर्सन का भी आप प्रोफाइल पिक्चर देखना चाहते हो। चलिए हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। मैं भी इस पर्सन का प्रोफाइल पिक्चर देखना चाहता हूँ, या आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर कॉपी प्रोफाइल यूआरएल इस पर क्लिक कर सकते हो आप। ये कॉपी होगा, उसके बाद आपको इसी ऐप पे जाना होगा और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इस यूआरएल को। आपको यस पर क्लिक करना होगा। ये सर्च कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब इस पर हमें क्लिक करना होगा। ये देखिए, यह प्रोफाइल पिक्चर है इस पर्सन की। तो ऐसे आप आसानी से यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। अलाउ, और ये सेव हो गई पिक्चर आपकी गैलरी में। ऐसे ही आप किसी भी पर्सन की प्रोफाइल पिक्चर को देख सकते हो, वो भी अपनी एंड्रॉयड फ़ोन से। तो दोस्तों, उम्मीद कर लेता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।